नमस्कार दोस्तों, एक बार हमारे चैनल में फिर से स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ कि एलसीडी टीवी को मोबाइल से कनेक्ट कैसे करते हैं, वो भी यूएसबी केबल की मदद से। चलिए देख लेते हैं कि एलसीडी टीवी कनेक्ट हो पाती है कि नहीं हो पाती। मेरे पास है सोनी ब्रावे की टीवी और सैमसंग J2 मोबाइल। चलिए देख लेते हैं। जैसा कि आपने देखा कि टीवी कनेक्ट नहीं हो रही है मोबाइल से। ये क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि इसका कारण है कि यूएसबी केबल साधारण है। साधारण का मतलब कि बिल्कुल सिंपल केबल है। इस केबल से आप डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं और मोबाइल चार्जिंग कर सकते हैं। टीवी में जो कनेक्ट करने वाली यूएसबी केबल आती है वो अलग मेर की होती है। वो 600 रुपये 700 रुपये की लगभग मिल जाती है, ठीक है। अगर आपके टीवी में वाईफाई है तो आसानी से आप टीवी को कनेक्ट कर सकते हैं। यूएसबी केबल से कनेक्ट नहीं होगी, इसकी यूएसबी केबल अलग से आती है। अगर आप वाईफाई से अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं और आपकी टीवी में वाईफाई भी नहीं है, एक तो डिवाइस आता है जिसका नाम है एनीकॉस्ट। ये एक डोंगल होता है जो आपकी टीवी को प्रोवाइड कराता है मोबाइल से, ठीक है। इसको आप परचेस कर लीजिए, नहीं आप यूएसबी केबल को भी आप परचेस कर सकते हैं। दोनों की मदद से आपका मोबाइल कनेक्ट हो जाएगा और साधारण यूएसबी केबल से कनेक्ट नहीं होगा। YouTube में जितनी भी वीडियो पड़ी हैं इस प्रकार की कि यूएसबी केबल से कैसे कनेक्ट करें, ये सब फेक वीडियो है, इसके चक्कर में आप मत आइए। मैंने आपको सबूत दिखा दिया और इससे ज़्यादा मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। आप यकीन मानिए कि यूएसबी केबल से कनेक्ट नहीं होती, इसके लिए आपको अलग से यूएसबी केबल खरीदनी पड़ेगी जो आपको 600-700 रुपये की मिलेगी। उस यूएसबी केबल में ऐसी कौन सी चीज़ रहती है कि आपको मोबाइल कनेक्ट हो जाता है? उस यूएसबी केबल में आपको 3 स्लॉट मिलते हैं, ठीक है। एक स्लॉट आपके मोबाइल में लग जाएगा और एक स्लॉट आपके यूएसबी केबल में लग जाएगा और एक स्लॉट एचडीएमआई केबल में लग जाएगा, ठीक है। आपको 3 में लगा देनी है तब आपका मोबाइल यूएसबी से कनेक्ट हो जाएगा और साधारण यूएसबी से कनेक्ट नहीं होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद लगा प्लीज़ लाइक करने से जरूर कीजिए। साथ में अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि हमारे नेक्स्ट आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आ सके। धन्यवाद हमारे चैनल में जुड़े रहने के लिए।